अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज एक माउथ वाटरिंग रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जिसका नाम सुनकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की चाट। आइए बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 4 से 5 वो आलू लिए थे, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और अच्छे से मैश कर लिया है छील कर। और उसमें 2 टीस्पून के करीब हम कॉर्नफ्लोर मिला देंगे, जिससे हमारी टिक्कियों की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और थोड़ा सा हमने नमक ऐड कर दिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लिएगा। और इन्हें सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है, आपकी टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी होंगी और बाइंडिंग तो अच्छी आती है। उसके बाद हम छोटे छोटे इस तरह से गोले बना लेंगे और इन्हें टिक्की का शेप दे देंगे। इस तरह फ्लैट कर लेंगे धीरे धीरे और एक टिक्की का शेप हम इसे दे देंगे। और इस तरह हम सारी टिक्कियाँ बनाकर रख लेंगे। आप चाहें तो इन्हें स्टोर भी कर सकती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दही बना लेंगे चाट पे डालने के लिए। यहाँ 1 कप के करीब मैंने जमा हुआ दही लिया है, जिसमें 1 टेबल स्पून करीब हमने शक्कर डाल दी है और अच्छे से बीट कर दिया, ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए तो चाट में बहुत अच्छा लगेगा। इसे एक साइड हम रख देंगे। और उसके बाद हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, थोड़ी सी हरी धनिया ली है और 1 से 2 हरी मिर्च ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने इधर से तेल गरम कर लिया है। अब हम टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर सारी टिक्कियों को फ्राई करिएगा। और उसके बाद हमने ये जो सफ़ेद मटर होते हैं, इन्हें रात भर भिगो दिया था। उसके बाद इन्हें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया है। इन्हें एक साइड रख देंगे। और उसके बाद आते हैं हम टिक्की की तरफ। तो टिक्की एक साइड थोड़ी थोड़ी हो गई है, तो हम इसे पलट देंगे। इस तरह से सारी टिक्कियों को पलट देंगे। और फ्लेम बस मीडियम रखिएगा, हाई मत रखिएगा, वरना हमारी टिक्कियों का कलर जो है अच्छा नहीं आएगा और ये जल भी सकती हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से टिक्कियों को पलट दिया है। आप देखिए 10 मिनट लगे हैं और 10 मिनट के अंदर ही कितनी अच्छी क्रिस्पी और कितना अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ गया है। अब इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। ऊपर से जो हमने मटर बॉईल किए थे, उसकी कोटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये बहुत खाने में, मटर तो ना हो तो चाट का कोई मज़ा ही नहीं होता है। तो उसके ऊपर से हम डालेंगे इमली और गुड़ की चटनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अच्छे से हम टिक्की को नहला देंगे, ताकि चटनी अच्छी से पड़ी होगी तभी तो अच्छी लगेगी ना। उसके ऊपर से हम डालेंगे यहाँ पर मीठा दही, जो हमने पहले से बना कर रखा था। हम उसे अच्छे से डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद हम डालेंगे इमली और पुदीने की चटनी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसे भी अच्छे से डाल देंगे। जितनी तीखी पसंद हो उतनी ज़्यादा डालें, अगर कम पसंद हो तो कम डालें, इस तरह से। और उसके बाद भुने हुए जीरे का पाउडर मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं और चुटकी भर नमक भी ऐड कर दिया था मैंने। और उसके बाद प्याज और हरी धनिया, हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी, वो हमने ऊपर से डाल दी है। और उसके बाद ये आलू भुजिया, ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर डालिएगा। और अगर इस स्टेज पे आपके पास पापड़ी या जो बताशे होते हैं वो क्रश करके अगर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं नहीं डाल पाई। तो लीजिए, तैयार है आपकी आलू टिक्की चाट। देखने से ही माउथ वाटरिंग है, मुंह में पानी आ गया होगा। तो जल्दी से जाइए अपने किचन में, इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।